नमस्कार नेहा फैमिली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बेसन और चावल के आटे से नाश्ता बनाएंगे। भूख में झटपट से बनाकर खा सकते हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने गाजर ली है, ये आलू लिया है कद्दूकस करके, ये प्याज लिए हैं, ये दो हरी मिर्च कट करके ली है। इन्हें हम बाउल में डाल लेंगे। सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, हाफ चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच नमक, एक चम्मच जीरा, ये 3 चम्मच चावल का आटा डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच बेसन डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब थोड़ा हाथों पे घी लगा करके इस प्रकार से टिक्की की शेप बनाएंगे। इस प्रकार से प्लेट में रख देंगे। दूसरी टिक्की को भी हम इसी प्रकार से बना लेंगे। हमने ये गैस पे कढ़ाई रखी है, इसमें ऑयल डाल दिया है। आइए चेक कर लेते हैं ऑयल। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें टिक्की को फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसमें टिक्की डाल देंगे। एक साइड से टिक्की सिक चुकी है, दूसरी साइड से पलट कर सेक लेंगे। सारी टिक्की को हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। टिक्की सिक चुकी हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सारी टिक्की को हमने फ्राई कर लिया है, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। सर्व कर लिया हमने हरी चटनी के साथ।
आप भी बनाइए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।